नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। आज सीखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। आरआरबी एनटीपी सब वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। चलिए सीखते हैं इकाई अंक। तो आप लोग जानते ही होंगे इकाई अंक लास्ट में जैसे लिखा हुआ है कहीं गुणनफल। पाँच सौ चौरासी गुणते 128 गुणते 617 गुणते 413 में इकाई अंक पूछा गया। इकाई अंक बताइए, मीन्स यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, सीखते हैं। सबसे इजी फास्ट और शॉर्ट खांटी मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते ही आंसर देंगे हम लोग इसका। चलिए पहले सीखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ बेसिक क्वेश्चन जैसे सीखेंगे, जैसे कहीं लिखा हुआ 12 गुणते 13, इसमें इकाई अंक तो सभी जानते होंगे, इसमें गुणा करने पर 156, तो इकाई अंक मेरा क्या हुआ 6। यूनिट डिजिट 6 हुआ। इतरीस तो गिनते हैं, सभी लोगों ने सीखा होगा बचपन में इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, इस तरीके से सब जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो क्लास 9th हाई स्कूल की मैथ पढ़ के देखिएगा, 8 की मैथ में सब सिखाया जाता है। 156, इसमें इकाई का अंक 6। ठीक है, इकाई का अंक याद करना सीखते हैं। इकाई के अंक जैसे कहीं लिखा हुआ 10 गुणते 2 20, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ 0। इस तरीके से यूनिट डिजिट कौन सा होता है, इधर तो गिनते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख ऐसे गिना जाता है। चलिए इकाई अंक ये हुआ। अब जैसे कहीं लिखा हुआ है 234 क्रॉस 128, चलिए बड़ी संख्या रखते हैं, 1237 लिखा हुआ, तो इसका इकाई अंक मुझे ज्ञात करना है। तो जैसे बड़े तो मुझे तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना, जब बड़ी संख्या लिखी होगी उसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना होगा, तो मुझे इन संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसको काट देंगे, सिर्फ इकाई इकाई का गुणा करेंगे, आपस में जो आएगा उसमें इकाई अंक देख लेंगे। 7 गुणते 4 28, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ 8। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। जैसे कहीं लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ क्वेश्चन 584 क्रास 128 क्रास 16617 क्रास 413 में इकाई अंक पूछा गया है। तो इसमें मैंने क्या कहा कि कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो उसके सिर्फ मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा है जो उसको काट कर देंगे और सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीपल करते जाएंगे। 4 × 8 32, अब इसमें 3 का मतलब नहीं है, 2 का मतलब। 2 × 7 14, अब इसमें भी यूनिट डिजिट का मतलब है, इसका मतलब नहीं है। 4 × 3 12, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 2, 12 आया तो यूनिट डिजिट 2 हो गया। चलिए फिर से देखते हैं इसको। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जब यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो तो सिर्फ सिर्फ इकाई अंक को देखते हैं। इकाई अंक तो जानते ही होंगे, इसमें इकाई दाई सैकड़ा इधर से लिखा जाता है, इकाई अंक राइट हैंड से स्टार्ट किया जाता है, लेफ्ट हैंड की तरफ जाया जाता है। तो इसमें 584 128 617 413 का इकाई अंक ज्ञात करना है मुझे, तो मुझे इन दोनों अंक से कोई लेना देना नहीं है, इनको कट कर दिया, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखेंगे। तो 4 × 8 क्या हुआ 32, अब इसमें मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इसको कट कर देंगे। तो इधर 7 था,
इधर यूनिट डिजिट 7 था, 2 × 7 क्या हुआ 1 4। अब मुझे इसको मतलब नहीं, यूनिट डिजिट से मतलब इसका 3 हुआ, यहाँ ये 3 है बचा था, 4 × 3 1 2, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 2। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, इसको कट कर देंगे यूनिट डिजिट। इस तरीके से किसी भी लंबे से लंबे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट ज्ञात कर पाएंगे आप लोग। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है 4 5 9 क्रॉस 4 8 क्रॉस 2 8 क्रॉस 4 8 4। इसमें पूछा गया है इकाई अंक क्या है, इसमें यहाँ स्टार दिया हुआ। चलिए अब यहाँ स्टार की कीमत ज्ञात करनी, इकाई अंक भी ज्ञात करना। इकाई अंक 2 दिया हुआ, इसमें दिया हुआ यूनिट डिजिट 2। स्टार की कीमत ज्ञात करनी, यूनिट डिजिट 2 दिया हुआ, स्टार की वैल्यू बतानी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन सब से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे इसमें, ठीक है। यूनिट डिजिट का मल्टीपल, यूनिट डिजिट 9 × 8 72, इसमें 7 से कोई मतलब नहीं, 2 बचा, 2 × स्टार तो 2 स्टार हो गया, ठीक। स्टार एक वैल्यू तरीके से लेंगे इसको, 2 स्टार हो गया, 2 स्टार × 4 चलिए इस तरीके से देखते हैं। 2 स्टार × 4 8 स्टार = 2, 2 दिया हुआ है, यूनिट डिजिट 2 दिया हुआ है। एक मिनट, गलत हो गया इधर, क्वेश्चन 6 था, तो 9 × 6 क्या होगा 5 4, 5 से मतलब नहीं, 4 से मतलब, 4 × 4 स्टार इधर 4, तो इधर आ गया 16 स्टार, इससे मतलब नहीं है, 6 स्टार = 2, ठीक। यूनिट डिजिट क्या हुआ 6 स्टार × 2। अब स्टार की वैल्यू मुझे निकालनी, तो स्टार पर ऑप्शन से देखेंगे कि 6 के साथ ऐसे किस चीज़ का मल्टीपल किया जाए कि यूनिट डिजिट 2 आ जाए। तो ऑप्शन में 3 का मल्टीपल करने पर यूनिट डिजिट 2 नहीं आता है। पहला ऑप्शन 3, तो 6 × 3 = 2। चलिए ऊपर देखते हैं, मेरा क्या बचा हुआ है 6 × स्टार = 2 दिया हुआ। अब ऑप्शन पहला रख के देखेंगे, स्टार = 3, तो 6 × 3 = 18, तो इसमें यूनिट डिजिट 2 है या नहीं, स्टार = 2। अब वैल्यू रखेंगे देखेंगे नेक्स्ट, इसको रखते नहीं रहेंगे एग्जाम में, ऑप्शन देखते ही तीसरे नेक्स्ट से देखेंगे तो समझ जाएंगे। स्टार = 4 रखेंगे तो 6 × 4 24 होता है, इसमें यूनिट डिजिट 4 है, इसमें 2 नहीं है। अब 6 × 6 36 होता है, तो इसमें भी यूनिट डिजिट 6 है, तो इसमें भी 2 नहीं आया। अब 7 को रखेंगे तो स्टार बराबर 7 रखेंगे तो 6 × 7 42, यूनिट डिजिट में से 2 मिल गया, यूनिट डिजिट 2 दिया हुआ था इसलिए सही है, तो स्टार की वैल्यू आ गई 7। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जैसे ऐसे पावर में दिया हो, क्वेश्चन नंबर 7 की पावर 71 क्रॉस 6 की पावर 59 क्रॉस 3 की पावर 65 में यूनिट डिजिट पूछा गया, बताइए यूनिट डिजिट्स में क्या होगा। तो इसके लिए सीखेंगे कॉन्सेप्ट। चलिए अब यूनिट डिजिट जो होगा इसके लिए सीखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इकाई अंक कहीं भी होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 संख्याओं में से इकाई अंक होगा, कहीं ना कहीं इन्हीं 10 संख्याओं में से इकाई अंक होगा, कहीं भी देख लीजिएगा आप, ठीक है।
चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन क्लियर। चलिए सीखते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2730 की पावर 127। इसमें पूछा गया है यूनिट डिजिट। इसमें यूनिट डिजिट बताना। चलिए पहले इससे छोटा सीखते हैं। जैसे 12 की पावर 2 लिखा हुआ, तो ये तो आप लोग जानते ही, 144, 144। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4 हो गया। यूनिट डिजिट 4 हुआ ना। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। चलिए मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, सीखिए। अब मैं इसको ऐसे ना करके सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखूँगा। 2 का स्क्वायर कर दिया तब भी 4 आया, मुझे तो यूनिट डिजिट से ही मतलब था ना, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। चाहे 12 का स्क्वायर करो, चाहे उसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। समझा रहे हैं आप लोगों को, तरीका बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। चलिए ठीक, समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। इसमें मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट 0 की पावर कुछ भी हो, मान कितना होता है? 0 का पावर कुछ भी हो, मान 0 ही होता है। ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या उस संख्या का इकाई अंक 0 हो, चाहे जितनी पावर हो उसका इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, चलिए 0 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो तो आंसर 0। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा मेथड है ये, कॉन्सेप्ट सीखते हैं आप लोग, अभी और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2731 की पावर 127, तो इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो इसमें यूनिट डिजिट कैसे देखेंगे? तो मैंने क्या कहा, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझे यूनिट डिजिट से मतलब। तो 1 की पावर 127, तो 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट उसका क्या होगा? और यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, इसका 1 ही होगा। तो आप सीख पा रहे हैं 0 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, ये यूनिट डिजिट लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट। 1 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 होगा। आप देख लीजिए करके, 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट उसका 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरी मैंने मार दिया। ये मैंने संख्याएं क्या लिखी हुई थी, 0, 1, 5, 6, ये 1 कैटेगरी हो गई। 2, 4, 8 1 कैटेगरी हो गई। ये सम संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं। 3, 7, 9। चलिए ये 3 कैटेगरी बट गया। इसमें सेम टू सेम होगा, इसमें जो है वही होगा, इकाई अंक जो दिया होगा वही। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 6, 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। इसमें यूनिट डिजिट वही होगा जो लास्ट में होगा। ठीक है, इनका जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक उसका भी होगा, चाहे जितनी पावर हो उसमें। चलिए अब देखते हैं, जब एक संग संख्या हो तो उसके लिए रूल लगाएंगे। चलिए सम या विषम के लिए रूल सीखेंगे। सम संख्या, सम की पावर 4 हो, 4 हो या 4 के गुणज में हो, या 4 के गुणज। आप लोगों को अगर स्लो लग रहा हो स्पीड, आप बढ़ा के वीडियो देख सकते हैं। 4 हो या 4 के गुणज में हो, 4 हो या 4 के गुणज में हो, तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा। तो इसका इकाई यूनिट डिजिट 6 होगा। सम संख्या की पावर 4 हो या 4 के गुणज में हो, तो यूनिट डिजिट 6। और सम संख्या की पावर 4 हो
नहीं, सम तो हो गया, विषम की संख्या की पावर 4 हो, विषम की पावर 4 हो या 4 के गुणज में हो। 4 के गुणज समझ पा रहे हैं आप लोग? 4 4 16 12 सब 4 के गुणज ही हैं। 4 के साथ जो संख्या का गुणा करोगे वो 4 का गुणज होगा, ठीक है। 4 के गुणज में हो, गुणज में हो तो यूनिट डिजिट, ये रूल है याद कर लीजिएगा आप लोग, यूनिट डिजिट 1 होगा। चलिए यूनिट डिजिट 1 होगा। सम की पावर 4, चलिए इधर से लिख लीजिए शॉर्ट में, सम की पावर 4 या 4 का गुणज, 4 का गुणज तो यूनिट डिजिट 6। विषम की पावर 4 या 4 का गुणज तो यूनिट डिजिट 1। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट था, चलिए अब इसमें सीखेंगे कैसे इसको वेरीफाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कहीं लिखा हुआ है 128 की पावर 20, ये कौन सी सम संख्या लिखी हुई है? पावर 4 के, हाँ 4 के गुणज में है तो इसका इकाई क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? पहला वाला वेरीफाई कर रहे हैं, पहले वाले वेरीफाई कर रहे हैं, 4 के गुणज में चेक करने के लिए 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। यदि भाग पूरा पूरा कट जाएगा तो समझ जाएंगे 4 के गुणज में है, तो इसमें मुझे इससे कोई लेना नहीं, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट 8 की पावर 5, समझे, 8 की पावर 5 हुआ, तो समझ जाओ कि 4 के गुणज में है तो इकाई अंक 6 हो गया, कट गया ना 4 से पूरा पूरा, 4 से भाग दिया तो 5 बार कट गया, तो पूरा पूरा कट गया, 4 के गुणज में है तो इकाई अंक 6 हो गया। मैंने ये बताया था, रूल लिखा हुआ है ऊपर, देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आप सीखते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है 4 की पावर 21, चलिए ऊपर सीखते हैं, नोट करते जाइए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए रूल वगैरह। चलिए आप सीखते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है 4 की पावर 21, तो इस सम की पावर, सम संख्या की पावर, तो इसमें क्या देखेंगे, पहले 4 से भाग लगाएंगे, जितना भाग पूरा पूरा जाएगा उसको अलग, और जो नहीं कटेगा उसको अलग शेष में लिख देंगे, शेष पावर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, मैंने क्या बताया, 21 में 4 से भाग दो तो 5 बार तो पूरा पूरा गया, बचा एक तो 5 बार पूरा पूरा गया, इसको भाग दिया तो 4 की पावर 20 तो कट गया 5 बार 4 से पूरा, ठीक है। अब बचा क्या, 4 की पावर 1 बचा, एक बचा ना, इस तरीके से लिखा तो इसका इकाई अंक 6 हो गया, इसका इकाई अंक 6 हो गया। अब 4 की बेस की पावर शेष तो यूनिट डिजिट क्या, इसका 4 ही हुआ, 4 का 4, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हुआ, 24, 6 × 4, इससे कोई लेना नहीं, यूनिट डिजिट 4 हुआ। तो इससे मैंने क्या सीखा, इससे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, चलिए एक और देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है 312 की पावर 22, ठीक है, तो इन सबसे कोई मतलब नहीं, 2 की पावर 22 देखेंगे। अब इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 2 की पावर 20 × 2 की पावर 2, इस तरीके से लिखा मैंने 2 की पावर 2, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आया, इसका यूनिट डिजिट क्या, 2 की पावर 2 4 हो गया, समझे। तो 4, जब मैंने क्या कहा था, किसी सम संख्या पे 4 हो या 4 का गुणज हो तो यूनिट डिजिट 6 होता है, इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया, और इसका 4 हुआ तो इसका 6 × 2 = 24, तो यूनिट डिजिट 4 हो गया। चलिए अब सीखते हैं आगे, ट्रिक क्या हुआ, ट्रिक्स है बेस की पावर शेष इक्वल टू इकाई अंक वही होगा, इससे क्या निकल के आया, जो बेस की पावर शेष है वही इकाई अंक है, इकाई अंक क्या होगा, जो बेस की पावर शेष बचेगा, ठीक है। तो इसमें मुझे इन सब से कोई पूरा पूरा कर जाता है उससे कोई मतलब नहीं, जो शेष बचेगा सिर्फ वही इकाई अंक होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अब कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया,
तीन भागों में बट गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे, बेस की पावर अगर शेष दिया हुआ है इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे। 0, 1, 5, 6, 2, 4, 8, 3, 7, 9 ये सम संख्याएं हैं, ये भी सम संख्याएं हैं। चलिए ये सेम टू सेम रहेगा, और तो सम की पावर 4 के 4 के गुणज में हो तो इकाई अंक 6 होगा। विषम की पावर 4 या 4 के गुणज में हो तो इकाई अंक 1 होगा। और सम की पावर 4 या 4 के गुणज में हो और जो शेष बचेगा बेस की पावर शेष, तो इकाई अंक वही होगा, यूनिट डिजिट वही होगा, और इसको हम फिर नहीं देखेंगे इसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग को समझ में आएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और कमेंट करके आप लोग अपनी समस्या बता सकते हैं कि क्या कमी रह गई है, तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कहीं लिखा हुआ है 9 की पावर 17, तो इसको किस तरीके से, इसमें यूनिट डिजिट पूछा गया है, यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इसको यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस चीज़ को पहले तोड़ लेंगे, जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो तोड़ लेंगे, अभी आगे समझ जाएंगे। 9 की पावर 16 × 9 की पावर 1, तो ये वही लिखा हुआ है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, विषम की पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया। मैंने क्या कहा, जब किसी विषम संख्या के ऊपर 4 के या 4 के गुणज में पावर है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। वैसे इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ बेस की पावर शेष पे देखेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट 9 आ गया। 9 × 1 तो 9, 1 × 9 तो तब भी 9, तो सीधे सीधे तीसरे आँख से देखते ही आंसर दे देंगे। इसका कलम चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप मैथ सीख जाएंगे, काफ़ी सार तरीके से मैथ सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 183 की पावर 13, इसमें मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। चाँ जितना भी लंबा दिया हुआ, तो 3 की पावर 13, तो मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब इसको तोड़ लेंगे, 3 की पावर 4 × 3 की पावर 1, इससे कोई मतलब नहीं है, 3 की पावर 3 तो 3 1, 3 पावर 1 = 3, तो यूनिट डिजिट 1 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए 0 पावर पर कुछ भी हो वो 0 ही रहेगा, 5 पे कुछ भी हो 5 ही रहेगा इकाई अंक, 6 पे कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही रहेगा, 1 पर कुछ भी हो इकाई अंक 1 ही रहेगा। सेम पावर टू सेम पावर इकाई अंक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1387 की पावर 5, 4, 3, 2, 7 दिया हुआ, तो इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए इन सबसे कोई मतलब नहीं, 7 की पावर दिया हुआ है, 5, 4, 3, 2, 7। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे, काफ़ी बार करेंगे इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना शेष बचेगा, जो शेष की पावर बेस की पावर शेष बचेगा वही आंसर होगा, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करना अगर आप लोगों को नहीं आता है, तो हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है। चलिए सीख लेते हैं यहीं पे। 4 से विभाजिता का नियम, चार से विभाजिता का नियम क्या होता है। 4 से विभाजिता के नियम के लिए, जैसे इसको 4 से डिवाइड करना है, 5, 4, 3, 2, 7, तो 4 से विभाजिता का नियम ये कहलाता है कि इस संख्या से मुझे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लास्ट की 2 संख्याएं देखेंगे, उसमें 4 से भाग देके देखेंगे, जो बचेगा शेष वो, और जो पूरा पूरा कट जाएगा वही 4 से विभाजिता का नियम। तो 5, 4, 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 27 में 4 से भाग देंगे, और जो बचेगा शेष वही 4 से विभाजित होगा। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। चलिए शेष अंक, जैसे 4 से तो 27 नहीं कटेगा, 6 बार पूरा पूरा जाएगा, और शेष कितना बचा, 6 6 24, 3 शेष बचा। चलिए यहीं पे कर देंगे 7 की पावर 6, तो पूरा पूरा कट गया, और 7 की पावर 3 ये शेष बचा।
सेवन की पावर थ्री शेष बचा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इससे मुझे कोई मतलब नहीं, जो बेस की पावर शेष है उसी का यूनिट डिजिट से भी याद करेंगे। तो सेवन की पावर थ्री पता ही होगा आप लोग को, 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 43। तो यूनिट डिजिट में क्या हो गया? थ्री हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत इजी, बेस्ट इजी सार्ड खांटी मेथड है। इस रूल को अपनाएंगे आप लोग, किसी भी कंपटीशन में पार लग जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 की पावर 7 = 61, 6 की पावर 59, 3 की पावर 65 ये दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है यूनिट डिजिट। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें यूनिट डिजिट दिया हुआ। तो मैंने क्या कहा था, 6 पावर कुछ भी हो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। 3 पर पावर दिया हुआ है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें 7 की पावर 71, 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें बचेगा शेष 3। 3 बचेगा, 7 × 7 × 7 मल्टीपल करके 343 हो गया, इसका इकाई अंक 3 हो गया। तो 6 × 6 = 24, इसका यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। चलिए इस तरीके से इसको सॉल्व कर गए कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 से विभाजिता का नियम, पावर में अंतिम से 2 अंकों में भाग लगाना है, ठीक है? ये लोग आप लोग सीख ही गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 = 6 7 = 4 1 7 5 3 8 × 3 4 1 5 1 = 8 7 6 = 9 9 × 7 6 = 5 4 3 5 = 8 9 8 7 9, ठीक है? इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसके गुणनफल के में इकाई अंक क्या होगा? चलिए शुरू कर देखते हैं फिर। गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा इसमें देखेंगे। तो मैंने क्या कहा, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो इसमें इकाई अंक कुछ भी हो, तो 7 की पावर ये दिया हुआ है, बस सिर्फ इसको कैलकुलेट करना होगा। इसमें 1 की पावर 1 कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 होगा, इसमें 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 होगा। तो ये कैंसिल हो गया। आपको बड़ा देख के घबराना नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और इसमें सिर्फ लास्ट अंक ही देखना होता है, लास्ट 2 पावर अंक देखेंगे 4 से विभाजित के नियम से अनुसार। इसमें 4 इतनी पावर लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट की 2 पावर देखेंगे। चलिए तो 7 की पावर 38 × 1 की पावर 99 × 5 की पावर 79, तो पावर 4 जितनी भी दी हो इसका इकाई अंक 5 होगा, इसकी पावर 4 जितनी दी हो इसका इकाई अंक 1 होगा। और 7 की पावर 38 इसको 4 से डिवाइड करो कितना बचेगा, 7 × 4 = 36, 9 में पूरा गया 7 × 2 = 2 ये बचा। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इसका गुणनफल जो 9, इसका इकाई अंक 49, इसका इकाई अंक 9 9 = 9 45 45, यूनिट डिजिट क्या हो गया 5 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पावर में लिखा हुआ 264 की पावर 102 क्रॉस, चलिए प्लस में दिया हुआ है, 264 की पावर 103 पूछा, इसमें भी यूनिट डिजिट गया है।
कि यूनिट डिजिट क्या है, तो मैंने क्या कहा था, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 4 की पावर 102 प्लस 4 की पावर 103 ये दिया हुआ है, समझते हैं ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 की पावर अगर कोई सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, और विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। चलिए इसमें कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो 4 की पावर यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 4 की पावर 3 बचेगा, इन सबसे लास्ट वाले से मतलब रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे शुरू वाले से, मैंने क्या कहा 4 की 3 पावर हो, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे वही पावर मानी जाएगी ठीक है। तो 4 की पावर 2, 4 से को 16, यूनिट डिजिट 6 हो गया, प्लस 4 की पावर 3, 4 से को 16 सबको 64, यूनिट डिजिट 4 हो गया, तो उसमें आ गया 10, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा इसका 0। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार वीडियो देखिएगा आप लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तब कमेंट करिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ फ्री PDF उपलब्ध है आप लोगों के लिए। इसमें पूछा गया है यूनिट डिजिट, तो इसमें मैंने क्या कहा था, बहुत ही अच्छी है ये, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं कर पाएंगे चलो सिखा देते हैं इसको क्वेश्चन को। चलिए जैसे दिया हुआ है 95, 95 की पावर 4, तो 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वही बेस की पावर शेष इक्वल टू वही मेरा यूनिट डिजिट होगा, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सॉल्व करके 7 की पावर 3 बचेगा इधर से, तो इसमें यूनिट डिजिट मेरा हो गया 9, क्रॉस 7 6 3, यूनिट डिजिट हो गया 3 ठीक है। 58/4 करेंगे तो इसमें बचेगा मेरा 3 स्क्वायर, उसमें बचेगा 9, इसको कायदे समझा देते हैं, नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, समझ में आएगा तभी कर पाएंगे। 7 की पावर 95 -3 की पावर 58 में का अंक पूछा गया है, इसमें घटाना है तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 ही अंक दिए हुए हैं, तो 95 को 4 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, 20 चौक 80, 25 चौक 100, 24 चौक 96, ज़्यादा हो गया ना, 23 चौक 72। चलिए इसको काटते हैं, तो इसमें बचेगा 6 की पावर 7 की पावर 3, तो इसमें 343 हो गया, इसमें यूनिट डिजिट 3 हो गया ठीक है। अब बचा 58 को 4 से डिवाइड करेंगे, अब इसमें क्या बचेगा, इसमें सब कट जाएगा तो 3 पावर 2 बचेगा, और इसको मल्टीपल करके 9 हो गया, ये यूनिट डिजिट 9 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया, अब देखो 3 हो गया, माइनस दिया हुआ है इधर, इसका भी कई सारा होगा, इसमें भी पहले कई सारे अंक होंगे, इसमें भी कई सारे अंक होंगे, ये लास्ट का डिजिट है, ये लास्ट का डिजिट, अब 3 में से 9 माइनस करना है, क्वेश्चन माइनस दिया होगा तो इसमें माइनस कैसे करना है, 3 से 9 घटा नहीं पाओगे, तो इसके लिए इधर से पहले से एक हासिल ले लेंगे हम, अंक तो मुझे मालूम नहीं पूरा थोड़ा कर नहीं पाएंगे एग्जाम में, ऐसे ही करेंगे, इधर से एक हासिल ले लेंगे, क्योंकि 7 की पावर 95 वैसे भी ज़्यादा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे 3 की पावर 58 से होगा कि नहीं होगा, तो इससे एक हासिल ले लेंगे, तो इसमें 13 हो गया, अब 13 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 4, तो जो 4 बचेगा वही यूनिट डिजिट होगा। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे एक दो क्वेश्चन और आप लोग समझ पाएंगे। चलिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ 351 की पावर 99 प्लस 201 की पावर 29 माइनस दिया हुआ 196 की पावर 100 ठीक है, प्लस 795 की पावर 35 माइनस 76 की पावर 4
इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ +359। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, 359 दिया हुआ, ठीक के रूप में इकाई अंक पूछा गया। तो मैंने क्या कहा था, लेंदी क्वेश्चन है, घबराना नहीं आप लोगों को देख के। इसमें 1 की पावर 99, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, इनसे कोई मतलब नहीं। 1 की पावर 29, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। 6 की पावर 100, कोई दिक्कत नहीं, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। 5 की पावर 35, चाहे जितना लंबा हो कोई मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट 1 होगा। इसमें भी 6 की पावर, चाहे जितनी भी हो इसमें भी यूनिट डिजिट 6 होगा। इसमें +359 लास्ट में दिया हुआ है, चलिए ठीक है ना। तो 359 से मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे इसके 9 से। चलिए अब सबसे पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 9 5 14, 14 2 16, 16 माइनस 12 कितना बचेगा। चलिए तो 4 आ गया यूनिट डिजिट। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान मेथड है। NTPC, CGL, UPTET, BEd, किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन समय कम की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं इसको सॉल्व। तो ये ट्रिक सही, खांटी मेथड का रूल है। चलिए अब एक क्वेश्चन सीखते हैं, जैसे दिया हुआ है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 से डैश डैश 99 तक दिया हुआ। पूछा गया यूनिट डिजिट ज्ञात करें, तो इन संख्याओं का यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है, क्योंकि यहाँ 5 दिया हुआ होगा। अगर किसी भी संख्या में एक बार 0 आ गया, गुणा मल्टीपल में दिया हुआ, तो उसमें 0 लास्ट में आएगा ही। तो 5 × 4 क्या होगा, 20। तो 20 आ गया। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसमें 0 ही आएगा, है कि नहीं। तो यूनिट डिजिट इसमें शून्य नहीं होगा, यूनिट डिजिट शून्य ही होगा, इसका यूनिट डिजिट शून्य ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 की पावर 1 क्रॉस 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस 4 की पावर 4 क्रॉस 5 की पावर 5, ठीक है। ऐसे करते हुए दिया हुआ है 99 की पावर 99। तो मैंने क्या कहा था, 5 गुणते सम संख्या, तो शून्य, शून्य का निर्माण कहता है कैसे होता है, 5 गुणते सम संख्या इक्वल टू शून्य, शून्य बन गया। अगर एक बार शून्य बन गया गुणा में, तो उसका कोई भी संख्या हो तो उसका शून्य नहीं होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, शून्य ही होगा। चलिए देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32, ऐसे डैश डैश दे दिया, और बहुत सारे पावर दी हुई हैं। तो आप लोग को टेंशन ही नहीं लेना है, मैंने क्या बताया, सबसे जी फास्ट शॉर्ट खंटी मेथड बताएंगे आप लोग को, फास्ट सेकेंड थर्ड, 3 स्टेप तक सिर्फ देखेंगे, इसके बाद के स्टेप को कोई लेना देना नहीं मुझे। फास्ट स्टेप जो करते हो रखेंगे, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। चलिए थर्ड स्टेप, यदि सम संख्या है तो सबसे छोटा सम लिखकर, तथा विषम संख्या है तो सबसे छोटा विषम लिखकर कैलकुलेट करेंगे। अगर थर्ड स्टेप में सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या मतलब 2। अगर यहाँ विषम संख्या है तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। लिखकर कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे नहीं कुछ, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं मुझे। तो इसमें 3 स्टेप तक से सिर्फ देखेंगे, 32 की पावर 32 की पावर 32। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 32 की पावर 32 नीचे वाला झुकते हुए रखेंगे, तो इसकी 1024 हो गया। तो मुझे यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं होता, चाहे पावर से इतनी भी हो। तो 32 की पावर 24, इसमें भी यूनिट डिजिट याद करना था, फिर इसको कोई मतलब नहीं होता, 2 की पावर 24। अब सम संख्या की पावर 4 या 4 के गुणज में है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। तो मैंने रूल लिखवाया हुआ, पहले बताया हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है 6 की पावर 6 की पावर 6 पावर 6,
कहीं भी दिया हुआ, चाहे जितना भी दिया हुआ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सिर्फ मुझे 3 स्टेप तक देखना, फर्स्ट स्टेप सेकेंड थर्ड, थर्ड स्टेप तक देखना है। फर्स्ट स्टेप जो कहते हो रखेंगे, सेकेंड स्टेप 6 बार 6, अगर कोई सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या लिख के कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे छोटी सम संख्या लिख के कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 6 की पावर 6 36, और आंसर 6, 6 की पावर पर चाहे कुछ भी हो, मैंने क्या कहा था, 6 पावर कुछ भी हो तो 6 ही आएगा आंसर, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कहीं दिया हुआ है 14 की पावर 15 पावर 16 17 18, चलिए देख नहीं पा रहे होंगे आप लोग, 14 पावर 15 पावर 16 पावर 17 पावर 18, देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में क्या किसे कह रहे हैं। तो इसके बाद काफ़ी लेंदी संख्या जा रही थी, 14 पावर 15 पावर, मैंने क्या कहा, सम लिखी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या लिख के कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 की पावर 15, 225, 225 होगा, 14 की पावर 225, तो इससे कोई मतलब नहीं, 25 तो इससे भी कोई मतलब नहीं, 4 की पावर 25, 24 की पावर 1, 24 तो एक बार पूरे पूरा कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे जितने भी पावर लिखा हो, आप लोग कोई टेंशन नहीं लेने का है। चलिए अगर फैक्टोरियल वगैरह में जैसे क्वेश्चन आ जाता है, एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कहीं लिखा हुआ है, चलिए फैक्टोरियल वगैरह का नेक्स्ट वीडियो बताते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, थैंक यू।